Assalamualaikum dear kids. So kids, today our book is English grammar and composition for one. It's mein ye one class ki book hai. Now open the page number 31. On page number 31 and also unit is 12. Unit number 12 and page number 31. And today our topic is application. Application jise Urdu mein darkhwastein kehte hain. Yani darkhwast. So aaj hum jo darkhwast sikhenge wo hai Leave for urgent piece of work, yani humne zaruri kaam ki darkhwast ko likhna hai. So the first is the headmaster, Mr. and headmistress. So hum log ise nahi bhi likhenge to koi problem nahi. Aap yahan par principal bhi likh sakte hain. So principal ki spelling PRINCIPAL, principal, comma. Next is, now next is द गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल शालीमार टाउन्स लाहौर. लेकिन हमारे स्कूल का नाम कायद पब्लिक हाई स्कूल है. सो हम इसे काट कर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. जैसे हमारे स्कूल का नाम है कायद पब्लिक हाई स्कूल सियालकोट. नेक्स्ट इज डियर सर मैडम. अगर आप डियर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप सर भी लिख सकते हैं या मैडम भी लिख सकते हैं. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टूडे. अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़रूरी काम. अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़रूरी काम, यानी इसका मतलब है कि मुझे आज ज़रूरी काम है. देयरफॉर इसलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, मेहरबानी फरमा कर मुझे आज के दिन की छुट्टी दें. आई शैल बी ग्रांटफुल टू यू, यानी इससे मैं आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होगा. योर्स ओबेडेंटली, आपका ताबेदार या आपका फरमाबरदार. अब यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं. जैसे मेरा नाम सबा है, सो आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं. क्लास वन, रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर है, एंड लास्ट डेट जो आज की डेट है. सो आपने यहाँ पर डेट लिखनी है. सो किड्स, इसी तरह आपने खूबसूरत तरीके से इस एप्लीकेशन को मुकम्मल करना है और अपनी क्लास में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी कॉपीज पर भी लिखना है. सो किड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.